नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश्याम, एमबीबीएस एंड डूइंग एमडी इन डर्मेटोलॉजी, विनरोलॉजी एंड लेप्रोसी फ्रॉम सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज। हम स्किन की ओपीडी में बैठते हैं। स्किन की ओपीडी के अंदर काफी कॉमन और थोड़ी सीरियस डिजीज के अंदर अगर अपन बात करें तो सोरियसिस दिमाग में आता है, और सोरियसिस का दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में इसके ट्रीटमेंट के रूप में मिथोट्रेक्सेट आता है। लेकिन आप जान के हैरान हो गए, मिथोट्रेक्सेट जैसी ड्रग्स जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सोरियसिस और एंटी कैंसर एजेंट के रूप में काम लेते हैं, इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट अपने इंडियन डॉक्टर येल्ला प्रेगडा सुब्बा राव जी थे। येल्ला प्रेगडा सुब्बा राव जी के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, इसीलिए इस वीडियो बनाने का औचित्य है। येल्ला प्रेगडा सुब्बा राव आंध्र प्रदेश के साउथ गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका जन्म हुआ था, और उनके जन्म के बाद में उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया था वो मद्रास मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। मद्रास मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करके वो यूएस चले गए, और यूएस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रॉपिकल मेडिसिन के अंदर उन्होंने डिप्लोमा किया। लेकिन उनकी रुचि बायोकेमिस्ट्री के अंदर थी, तो वो उसी कॉलेज के अंदर बायोकेमिस्ट्री के गेस्ट लेक्चरर के रूप में लग गए, और गेस्ट लेक्चरर के रूप में लग के अपना रिसर्च वर्क डॉक्टर फिस्के नाम के साइंटिस्ट के साथ में अपना काम शुरू किया। और फिस्के साथ में काम करते करते उन्होंने मिथोट्रेक्सेट तो ड्रग खोज की थी, लेकिन आप जान के हैरान हो गए, जो फॉलिक एसिड मॉलिक्यूल के बारे में जो आए दिन हम ट्रीटमेंट के रूप में लिखते हैं, एनीमिया प्रिवेंशन के लिए प्रेगनेंसी के अंदर देते हैं, उसकी डिस्कवरी भी येल्ला प्रेगडा सुब्बा राव ने की थी। आप जान के हैरान हो गए, फिलेरियसिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है डाइथाइल कार्बाजीन, डेक के नाम से, उसकी भी डिस्कवरी येल्ला प्रेगडा सुब्बा राव। और आपको सरप्राइज होना चाहिए, एटीपी फंक्शन के रूप फंक्शन की भी डिस्कवरी के बारे में और उसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट भी कोई विदेशी नहीं थे, वो भी हमारे इंडियन ही थे, और वो थे हमारे डॉक्टर सुब्बा राव उसके साथ में। लेकिन अफसोस की बात ये हुई कि सुब्बा राव डॉक्टर सुब्बा राव क्या डेथ सडन कार्डिक अरेस्ट से हो गई, और सडन कार्डिक अरेस्ट से डेथ के बाद में उनकी जो रिसर्च वर्क था वो डॉक्टर फिस्के ने पब्लिश होने नहीं दिया, और उसको पब्लिश नहीं होने दिया, और उसके अलावा बहुत सारा उनका वर्क अपने नाम से पब्लिश करवा दिया, तो जिसकी वजह से उनको जो रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो मेरे इस वीडियो बनाने का यही एक औचित्य था कि आगे से हम जब भी फोलिक एसिड, मिथोट्रेक्सेट, एटीपी, डेक के बारे में सुने तो येला प्रेगडा सुब्बा राव हमारे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जरूर याद करें। धन्यवाद।